हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ फिर एक नए प्रोडक्ट के साथ, जो कि मैंने किया था अमेजन से ऑर्डर, जिसकी की करूँगी मैं अनबॉक्सिंग, बताऊँगी आपको मैंने ये प्रोडक्ट क्यों लिया है और इसका मेरा लेने का जो मेन पर्पस है वो क्या है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मेरे इस YouTube फैमिली का हिस्सा है, उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और आज जो जुड़ रहे हैं उनको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ व्हाट एग्जैक्टली दिस प्रोडक्ट इज, मैंने कहाँ से प्रोडक्ट लिया है। ये देखिए, ये है प्रोडक्ट, ये है सफारी का बैग। ये बहुत ही छोटा सा बैग पैक है, जो कि मैंने डेली लाइफ में जो मैं सामान लाती हूँ, जब मैं आसपास के स्टोर्स में जाती हूँ, डीमार्ट में जाती हूँ, जहाँ पर भी मैं जाती हूँ, तो मैं इसको लेकर के जाऊँगी। और ये मुझे मिला है अप्रॉक्स 239 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस फ्रॉम अमेजन। तो यू कैन चेक गाइज, ये बैग अवेलेबल है 3 कलर्स में। जब मैंने लिया था ब्लू, रेड एंड स्काई ब्लू, मुझे ब्लू पसंद आया था। क्यों? क्योंकि ये ब्लू गंदा कम होता है, रेड भी मैं ले सकती थी, बट इस कलर का मेरे पास बैग नहीं था, तो ये मैंने बैग लिया है। इस बैग की जो सबसे ज़्यादा खूबी है, इसको मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ अनबॉक्सिंग करके, कि बैग की क्या खासियत है। इस बैग की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगी कि ये बिल्कुल लाइट वेट बैग है, यहाँ से आप इसको टांग सकते हो। दूसरा, इसकी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि इसमें देखिए एक ये जिप है, तो जैसे आप आसपास कहीं जा रहे हैं, थोड़ा बहुत सामान, दूध, ब्रेड, अंडा जो भी लेने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी बहुत सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, यहाँ अपने पैसे, छोटा पॉकेट में का जो आपका पर्स है, आपका मोबाइल है, वो सब आप इसमें रख सकते हैं, करके आप इस जिप को कर दीजिए बंद। दूसरा, जो मेन चीज़ आप लेने गए हैं, अब आप बोलोगे उसको हम कहाँ रखेंगे, उसको आप रखेंगे यहाँ। इस बैग में इनफ स्पेस है गाइज, आपका डेली यूज़ का सामान लाने के लिए। और मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत ही सेफ है। सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी भी स्टोर में जाते हैं, मैं डीमार्ट में जाती हूँ, तो डीमार्ट में मुझे क्या होता है कि कई बार आपके तो बैग ही ले जाना भूल जाते हैं, तो उस केस में होता क्या है कि आपको स्टोर से ही बैग परचेस करना पड़ता है, और जिसके लिए आपको प्राइस पे करना पड़ता है, टेंटेटिवली नियर अबाउट 20-25 रुपीज़, समटाइम्स इज 30 रुपीज़, और आजकल तो बड़े स्टाइलिश बैग भी वो लोग डेली अपने कस्टमर्स के लिए बेचने लगते हैं, तो देट विल कॉस्ट यू 40 रुपीज़, 45, वट एवर इट इज़। तो मैं जब भी डीमार्ट में जाती थी, तो मेरे साथ क्या होता था, मैं भूल जाती थी बैग ले जाना, तो मैं वहाँ स्टोर में ये बैग परचेस कर लेती थी। ये मुझे करना पड़ता था क्योंकि आप सारा सामान खुला हुआ कैसे लेकर के आओगे, कहाँ दूध पकड़ोगे, ब्रेड और जो छोटे छोटे सामान लेते थे। ये बैग जो मुझे वो लोग देते थे, वो नियर अबाउट इस बैग की कॉस्ट 25 रुपीज़ समथिंग है। और ये क्या होता है कि अभी थोड़ा आप इसको यूज़ करोगे ना, तो ये बैग धोने के बाद क्या, गंदे तो होते ही हैं क्योंकि लाइट कलर है, तो ये फटने लगते हैं। ये भी यहाँ से फट रहा है थोड़ा थोड़ा, और इसका ये बहुत ही टूटने का डर होता है कि आप अगर दूर से वॉक करके आ रहे हो, अगर आपके इसमें हैवी वेट सामान है, तो इसके टूटने का डर होगा। तो दोस्तों, ये तो एक एडिशनल कॉस्ट हो ही जाती है कि आपने 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ की ब्रेड ली, 100 रुपीज़ का मिल्क लिया, और साथ में 25 रुपीज़ का ये बैग लिया। तो अगर आप सोचो, वीक में अगर 4-5 बार भी गए, तो आपको 25 इंटू 5 आप कर लीजिए, 100-150 का, आप 125 का, आपको ये फालतू का एक्सपेंस है, और अननेसेसरी ये सारी चीज़ें आपके घर पे इकट्ठी होती हैं, तो ये इकट्ठी होना भी तो एक आपके पास, आजकल छोटे छोटे जो है फ्लैट होते हैं, बड़े शहरों में जगह तो होती नहीं है सामान रखने की, तो ये एक बिग प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया, कि मैं ये बैग लूँगी, और अब जब भी मैं जाऊँगी, ये सफारी का बैग ही, इसको बैग पैक ले करके जाऊँगी, इसी में अपना सामान खरीदूँगी और ले करके मैं घर वापस आ जाऊँगी। तो सबसे मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये बैग जो है, ये मतलब मेरा ये कहने के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या स्टोर में जब जाते हो, तो क्या आप हर टाइम पे आप बैग खरीदते हो, या आप बैग लेकर के जाते हो? ये मुझे कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। और आप लोग मुझे ये बताइए कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा, ये जो मैंने आइडिया निकाला इस बैग को लेने का,
239 रुपीज़ में। तो ये मेरा आइडिया कैसा है, ये मेरा आइडिया अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइएगा और ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए अब तो टाइम बिल्कुल चेंज हो चुका है, नाउ आई एम मिसिंग माई ओल्ड डेज कि जब मैं जाती थी स्टोर पे तो हमने कोई टेंशन ही नहीं होती थी, हम जाते थे पैसे लेकर के और शॉपकीपर हमें जो भी बैग होते थे उसके पास उसमें हमें दे देता था। नाउ दिस डेज आपको पता है प्लास्टिक पूरी बैन हो चुकी है और वैसे भी प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए सेफ नहीं है, तो हमें वैसे भी प्लास्टिक को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये अल्टरनेट जो है ये मुझे बेस्ट अल्टरनेट लगा, इंस्टेड ऑफ बाइंग दीज बैग्स सो मेनी टाइम्स, मंथ में आप 10 बार 15 बार जा रहे हो तो आपके पास 15 बैग इकट्ठे हो जाएंगे अगर आप घर से बैग ले जाना भूल जाते हो। तो आप मुझे ये चीज़ बताइएगा कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग घर से बैग ले जाते हो या स्टोर से खरीदते हो, ये चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। दूसरा, इस बैग को लेने का जो मेरा मेन पर्पस था, इस सफारी बैग को लेने का वो मेरा पर्पस ये था कि मैं देखिए कॉस्ट सेविंग भी करना चाहती हूँ। मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी बोला है कि मैं हमेशा कोई भी चीज़ परचेज करती हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज माई एक्सपेंसेस। तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस सफारी के बैग को ख़रीदने से आप ये जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं इनको करने से आप बच जाएंगे और आपके पास एक अच्छी चीज़ आ जाएगी जिसको कि आप लॉन्ग टर्म तक यूज़ करेंगे और इसके फटेगा नहीं, ये बहुत अच्छा बैग है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइएगा कि ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग को अगर ये बैग ख़रीदना हो तो आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको अमेज़न का ये लिंक भी भेज दूँगी जिससे आप परचेस कर सकते हैं बैग को, या आप डायरेक्ट अमेज़न पे भी जाइए और अमेज़न पे जा कर के आप इस बैग को परचेस कर लीजिए। अभी बैग अवेलेबल है, 239 रुपीज़ में मुझे मिला है। कलर्स इसमें हैं 3, रेड ब्लू एंड स्काई ब्लू, जो भी कलर आपको पसंद आए आप ले सकते हैं और बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहे तो लीजिए चाहे तो आप ना लीजिए, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप अपनी कॉस्ट सेविंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, वीडियो को अब करते हैं ख़त्म, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे। और अब आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लोगों को इन्फॉर्मेशन दीजिएगा ताकि अगर वो ख़रीदना चाहते हैं, उन्हें पसंद आता है मेरा ये आइडिया तो वो इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूज़ और इस बैग को ख़रीद सकते हैं। आप लोग क्या करते हो ये ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप लोग एवरी टाइम स्टोर से परचेस करते हो या घर से लेकर के आते हो, इस सवाल का मैं इंतज़ार करूँगी। आप लोग ये मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, कमेंट करके कि ये आप लोग एग्जैक्टली क्या करते हो। तो वीडियो को करते हैं ख़त्म, वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे और इस चैनल मेरे इस वीडियो को मेरे इस चैनल को आप लोगों में शेयर कीजिए। और आप एक बात याद रखिए कि कभी भी आप लोगों के माइंड में भी कोई नया आइडिया आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलते हैं अपने एक नए व्लॉग में एक नए आइडिया एक नए प्रोडक्ट के साथ जिसकी की करके मैं अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।